पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में चार राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद बीजेपी नेता हो या कार्यकर्ता, संसद हो या विधायक, सभी के जोश हाई हैं। बीजेपी नेताओं का यही जोश आज लोकसभा में भी देखने को मिला, जहां बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले ही दिन लोकसभा में पांच मिनट तक मोदी मोदी के नारे लगाए गए। चार राज्यों में बीजेपी की जीत का श्रेय प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा जाता है। उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड, मणिपुर हो या गोवा, सभी राज्यों में प्रधानमंत्री ने रैलियां कर जनता को साधने की पूरी कोशिश की और उनकी कोशिश रंग भी लाई। जहां बीजेपी कई रिकॉर्डों और मिथकों को तोड़ते हुए चार राज्यों की सत्ता पर काबिज हो गई, आज सदन में बीजेपी के इसी जीत का जश्न दिखाई दिया। लोकसभा में जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंट्री ली, वैसे ही बीजेपी के सांसदों ने मेज थपथपाकर उनका स्वागत किया। उसके बाद सदन में चार से पांच मिनट तक सिर्फ मोदी मोदी की गूंज सुनाई देती रही। इसी दौरान सदन में राजनाथ सिंह, अमित शाह, किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर जैसे कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद थे, जहां कई मंत्रियों ने तो प्रधानमंत्री के लिए स्टैंडिंग ओवेशन भी दी। बीजेपी की जीत का जश्न सदन की शुरुआत होने से पहले ही दिखाई देने लगी थी, जहां सभी बीजेपी सांसदों और कैबिनेट मंत्रियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी जोरदार स्वागत किया। अमित शाह और जेपी नड्डा जब पार्लियामेंट पहुंचे तो तमाम बीजेपी नेता उनके स्वागत के लिए खड़े थे। इस दौरान सभी के चेहरे पर जीत की खुशी साफ साफ दिखाई दे रही थी। सभी ने विक्ट्री साइन दिखाकर मीडिया के सामने पोज भी दिया।